हार्दिक पटेल की सभा में अजाण्य मणस लाफो मरता मोरबी पासना कन्विनर मनोज पनारा की प्रतिक्रिया। अमित शाह ने जीतू वघाणी सामे खुला आक्षेप। सुरेन्द्रनगर जिला में सभा दरमियान हार्दिक पटेल ने लाफो झींकवानी घटना बाद पास में रोष फाटी निकलो है। मोरबी पास की टीम द्वारा आ अंगे तीखी प्रतिक्रिया आपीने अमित शाह तथा जीतू वघाणी हार्दिक की हत्या करने इरादो धरावता हो आक्षेपो कर लोकसभा की चूंटनी नजीक है तरह पाटीदार अनामत आंदोलन बाद कांग्रेस में जोड़ायेल हार्दिक पटेल कांग्रेस स्टार प्रचारक बनी प्रचार कर रहा है। जेमा आज सुरेन्द्रनगर वढ़वाण नजीक सभा में हार्दिक पटेल ने स्टेज पर चढ़ी ने लाफो झींकी देवामां आव्यो हतो। जे बनाव अंगे मोरबी पास आगेवान मनोज पनाराए जणाव्युं हतुं के भूतकाळ में पण हार्दिक नी हत्याना प्रयासो कराया छे। भाजप अध्यक्ष अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू वघाणी हार्दिक ने रोकवा प्रयास करे छे। कांग्रेस ना स्टार प्रचारक ने अगाउ मळेली सिक्युरिटी परत लेवाई छे अने तेना पर हुमलाओ थाय छे। जो के तारीख 23 एप्रिले मतदान ना दिवसे आनो हिसाब करवानो हुंकार कर्यो हतो। साथ ज सांजे मोरबी में हार्दिक पटेल की सभा हो ज्यां कोई कृत्य ना थाय ते माटे पोलिस ने अपील करी हती। अने आवो कोई बनाव भाजपना इशारे थसे तो ईंटनो जवाब पत्थर थी आपवा पासनी टीम तैयार होवानुं जणाव्युं हतुं। तेमज हार्दिक पटेल की आ रीते हत्या अने अल्पेशनी जेलमां हत्यानुं कावतरुं भाजप रचतुं होवाना गंभीर आक्षेपो कर्या छे। अने अल्पेशनी जेलमां हत्या तेमज हार्दिक पटेलनी आ रीते हत्या अने अल्पेशनी जेलमां हत्यानुं कावतरुं भाजप रचतुं होवाना गंभीर आक्षेपो कर्या छे। हार्दिक पटेल की हाइट जे प्रकारे वधी रही है, जे प्रकारे नितिन भाई कहता था कि 2017 पछी हार्दिक गोईतो नहीं जड़े एनी जगह नितिन भाई गोईता न जड़ता चूंटनी में अने हार्दिक पटेल भारत में तीजा नंबर स्टार प्रचारक थई गयो है। त्यारे आ युवान की हाइट जो भारतीय जनता पार्टी गोखलाई गई है। तमे जोई रह्या छो गुजरात की अंदर विजय रूपाणी की सभा हो भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष की सभा हो आ बधी फेल जई रही है। त्यारे हार्दिक की सभा में स्वयंभू लोग उमटी रहा है। आ जोईने भारतीय जनता पार्टी हाड़ भरी गई है अने हार्दिक की गोखलाई गई है। एटले आवा हुमला करावे छे। अमित शाह ना इशारे भूतकाळ में पण हार्दिक पटेल की हत्या करवाना षड्यंत्रो बनी चूक्या छे, परंतु पोलिस तंत्र भारतीय जनता पार्टी होवाथी आ वात बहार आवती नथी। आजे पण क्यांक ने क्यांक हार्दिक की हत्या करवानो ज एक प्रकारनो कोशिश हती, परंतु एमांथी हार्दिक पटेल सुरक्षित बची गया छे। जे माणसे आ प्रकारनुं कृत्य कर्युं छे ने हुं विनंती करूँ छूं कि लोकशाहीनुं स्तर नीचू ना लावे। भारतीय जनता पार्टी लोकशाही ने ठोकशाही में परिवर्तित करने की कोशिश न करें। लगभग गुजरात में आज थी अमे चैलेंज करीए छे कि एकपण सभा जो अमे धारीए ने तो भारतीय जनता पार्टी की थाय नहीं अने धारीए तो एकपण भारतीय जनता पार्टी नेता लुगड़ा खाजा लईने जाय नहीं, परंतु अमे नथी इच्छता गुजरात में अशांति थाय। भारतीय जनता पार्टी इच्छे छे कि मतदान ओछू थाय, गुजरात में अशांति फैलाय, परंतु हूँ भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने कहवा माँगू छूँ कि पाटीदार समाज अने पास समिति इच्छती नहीं कि गुजरात की अंदर अशांति थाय। अने तमाम युवाओं ने विनंती करूँ छूँ कि आ कृत्य ने भूली अने आपणे आपणा मूळ मकसद पर भारतीय जनता पार्टी ने हरावाना मकसद पर कामे लागी जाए अने कोईपण युवान आ लोकशाही पर्व की अंदर एवं कृत्य ना करे, कायदो हाथमां ना ले के जेथी करीने मतदान ने असर थाय। अने जे माणसे आ कृत्य कर्युं छे एनो 23 तारीख सांजे 5 वाग्या पछी हिसाब किटनो जवाब पत्थरथी आपी देशुं। मनोजभाई, जे आजे सांजे जे हार्दिक मोरबी सभाने संबोधवाना छे ने सवारे हुमलो थयो છે, તેમાં મોરબી તરફથી પાસ ટીમ શું કરશે? હું એક સરકારને અને મોરબી જિલ્લાના પોલીસ તંત્રને વિનંતી કરું છું કે કડક સુરક્ષા બંદોબસ્ત રાખે અને જો ભૂલે ચૂકે આવી પ્રકારની કૃત્ય ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઈશારે કોઈ વ્યક્તિએ કર્યું તો એનો અંજામ મોરબીની અંદર શું આવે એ ભૂતકાળમાં તમે જોઈ ચૂક્યા છો, પણ મોરબીની અંદર માઇનો લાલ એવો કોઈ પેદા નથી થયો કે હાર્દિક પટેલ ઉપર આંગળી પણ ચીંધી શકે। અને હું જાહેરમાં કહું છું કે જો આવું પ્રકારનું કોઈ કૃત્ય કરશે તો આંગળી ચીંધવાનો અંગૂઠો કાપવાની પણ પાસ ટીમમાં તાકાત છે।